तो भाई समझ आ गया ये कैसे करना जैसे वेरीफाई whether zeros ऑफ द polynomial आर इंडिकेटेड तो अब ये जैसे ये आपको दिया हुआ है तो आपने क्या किया होगा ये जो है ये इसके अंदर डाला होगा पहले फिर आपने इसको इसके अंदर डाला होगा तो ऐसे किया होगा कुछ आपने ऐसे किया होगा थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन तो थ्री इंटू वन अपॉन थ्री माइनस वन वन माइनस वन इज इको टू ज़ीरो तो ये जो है ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमिल है तो ये तो यस yes है फिर आपने इसको डाल के देखा होगा थ्री इंटू फोर अपॉन थ्री माइनस थ्री तो फोर माइनस थ्री इज इको टू वन ये जो है ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमिल नहीं है वही समझ आ गया बाकी कोई डाउट है तो आप आंसर देख सकते हैं फिर ये फाइंड द जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केस इसमें जो सबसे सिंपल है यार वो ये है कि आप जो ये है वो बोल क्या रहा है इस ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो निकालिए तो सबसे आसान होता है यार ये आर एच एस को जीरो कर दो तो एक्स जो है वो जीरो आ गया तो मतलब इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है वो क्या है एक्स इजिकल टू जीरो नहीं समझ में आया अक्सर भाई डाउट है अक्षर भाई दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़्यादा कोई जरूरत नहीं हमें दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है हमने सिर्फ क्या करना है कि जो भी यहाँ लिखा होगा ना राइट पे इसको जीरो कर देना बस जो भी एक्स जो भी इसको सॉल्व करके जो भी एक्स की वैल्यू आई वो जो एक्स है वो जीरो ऑफ़ द पोलिनोम है अक्षर भाई को डाउट है कुछ नहीं ज़्यादा सोचना आपने कंफ्यूज नहीं होना इसको बस जीरो कर दो बस ग्यारह दो मिनट जैसे ये लिखा हुआ सी एक्स प्लस डी बस इसको जीरो कर दो तो देअर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी भाई तो भाई कुछ नहीं करना जो राइट में लिखा होगा ना उसको जीरो के इक्वल कर देना बस तो जैसे ये लिखा ना ये मैंने क्या किया सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल कर दिया जीरो के एक्स के लिए सॉल्व कर दिया तो सी एक्स क्या हो गया माइनस डी एक्स क्या हो गया माइनस डी अपॉन सी ये जो है ये जीरो ऑफ़ द पॉलिनॉमियल है बस बात खत्म तो जीरो ऑफ़ द पॉलिनॉमियल कैसा निकाला जाता है जो भी राइट right पे लिखा होता है उसको जीरो के इक्वल कर देता है देन यू सॉल्व फॉर एक्स वो जो एक्स है वो जीरो ऑफ़ द पॉलिनॉमियल होता है भाई बहुत भयंकर ज्ञान दे दिया क्या आपको कोई डाउट है कोई डिस्कस करना चाहता है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है वो तो टीचर्स का भला हो जो इसको कंफ्यूज कर देते हैं ताकि मेरे जैसों की मेरे जैसों की दुकान चलती रहे बहुत ही सिंपल टॉपिक है थोड़ा सा बच्चे इसको देख के डर जाते हैं वेरीफाई वेदर दीरोज ऑफ द पॉलिनोम इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम तो ये फाइव एक्स माइनस फाइव आपका पॉलिनोमियल है इसमें एक्स क्या डालोगे 4 बाय फाइव तो आंसर क्या आ गया 4 माइनस फाइव भाई मजा नहीं आया तो ये जो है ये जीरो तो पॉलिनोम नहीं है अब लेट अस रज्यूम कि मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो पॉलिनोम है इसका जीरो क्या होगा अरित्र भाई समझ पा रहे हैं तो क्या करना है इसको किसके इक्वल कर दोगे जीरो फाइव जो है वो जीरो ऑफ द पोरिनोमल बस बात खत्म यही है कैसे निकालते हैं जीरो ऑफ द पोरिनोमल जो भी राइट पे लिखा है उसको इज इक्वल टू जीरो कर देता है अब इसमें एक और बच्चे थोड़ी गलती कर देते हैं वो भी देख लीजिए जैसे थ्री एक्स स्क् माइनस वन जीरो ऑफ द पोरिनोमल निकालिए तो थ्री एक्सक्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो सो थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन एक्स स्क्वाजल टू वन अपॉन थ्री अब बच्चे यहाँ गलती ये कर देते हैं एक्स टू लिख देते हैं वन अपॉन रूट तो यहां आपने लिखना है प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री भी होगा और माइनस वन बाय रूट थ्री भी होगा दोबारा समझा दू फिर से देख लीजिए अब क्योंकि आप जवान हो चुके हो बच्चे नहीं रहे मर्द बन चुके हो मर्द तो मर्द की पहली पहचान क्या होती है जब भी उसको बोला जाए एक्सक्वाजिकल टू फोर तो वो क्या बोलता है एक्स इजिकल टू बच्चे वाले आंसर नहीं देना मर्द वाला आंसर देना। है। मर्द हमेशा क्या बोलता है वो माइनस नहीं हो पाएगा जैसे कई बार ऐसे लिखा होगा फाइंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल तो आप बोलेंगे कि सर माइनस टू तो हो नहीं सकता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं नहीं समझ में आ रही मेरी बात सिर्फ टू लिखना पड़ेगा वो कुछ इंस्टांसिस में कुछ इंस्टांसिस में बट अगर एक्स की आपको एक्स बताया नहीं जा रहा कि X क्या है साइड ऑफ द ट्राइंगल कुछ नहीं है तो X plus minus दो आंसर लिखेंगे हमेशा भाई रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आप इसको देख सकें अगर रिकॉर्डिंग ठीक होगी तो बात बन जाएगी कहीं पर क्या रिकॉर्डिंग में भी गड़बड़ हो जाती है मेरी बात समझ आ रही है ना अब जैसे ये है बताओ इसके जीरो ऑफ द पोरिनोम क्या है तो आप बोलेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो जो है ये जीरो ऑफ द पोरिनोमियल है भाइयों कोई डाउट है कुछ बोलना चाहते हैं जैसे एक्सक्वाज इक्वल टू वन तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन जीरो प्लस वन भी है और माइनस वन है कुछ बोलना चाहते हैं